पाटिल तहसील के निवासी जागृत आदिवासी दलित संगठन के बैनर तले बड़वानी कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक आवेदन ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि उनके परिवार के लोगों को कर्नाटक राज्य के बेलगाम में बंधक बनाया गया है। बड़वानी जिले के पाटिल तहसील के मजदूरों को कर्नाटक में बंधुआ मजदूरी में आदिवासी प्रवासी मजदूरों को बंधक बनाने की शिकायत दर्ज करवाई है। और ज्ञापन में बताया गया है कि कर्नाटक में बंधुआ मजदूरी में फंसे हैं बड़वानी के आदिवासी प्रवासी मजदूर, उनको तुरंत छुड़वाने के लिए आवेदन दिया। ज्ञापन में बताया कि कालू ठेकेदार नामक व्यक्ति मजदूरों को कार्य करने के लिए कर्नाटक राज्य में ले गया है, अतः बंधक मजदूरों को छुड़ाने की प्रशासन से मांग की। क्या नाम से? पाटी तहसील। कलेक्ट्रेट किस लिए आए? तो ये हमारा चार पूरिया जात रहा, चार उड़ी ने जात रही ना। ये वो कर्नाटक में और अंगला तो आवतर मका गांव का नाम नहीं आता, वो दिखलो थे तो जात रहा कि 3 महीना की बोली करीन ली गया, 3 महीना करते 4 महीना में ही गया। तो हतरा जोड़ वर 4-5 किला दाना दे अनाज टुकड़ो टुकड़ो बठिन खाए का भूखिया काट है। 12 बार 1 बजे रात को भी काम कर रहे यार। तो थाना पर सब वाल सिंह भाई सबसे भाई ऐसा सब हमारे पोपोरिया जा रहा उपदगढ़ का थेनगिया नाम से मारूँ। तो अब तो ये अपनो करता अपनो कागज आवेदन देता कर दो पसाए इन करार से अपनो बड़वानी जिला में आई गया मैं घर आई गया। पैसे वगैरह भी दिए थे उन लोगों ने ले जाने के लिए? ले जाना को उनका जोड़ पर 40-40 हज़ार रुपया दिया। जागृत आदिवासी दलित संगठन से हरसिंह जमरे। हरसिंह जी कलेक्टर किस लिए आए हैं? कलेक्टर हम इसलिए आए कि जो हमारे पार्टी क्षेत्र के लोग हैं दशहरे के महीने में 40-40 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति को पति पत्नी को 40 हज़ार रुपये दिए कर्जे के नाम से, और पहले दिन पैसे दिए, दूसरे जो दिन गाड़ी में भर के 3-4 दिन तक पहुँचने में लगते कलकत्ता कर्नाटक में है, वो वहाँ पे बंधक बना के रखे, ना हिसाब दे रहे ना कहीं नहीं, और आटा दे रहे, किसी एक ग्रुप में आटा दे रहे और दूसरी ग्रुप में चावल दे रहे और तीसरी ग्रुप में ऐसे हफ्ते में 10 किलो अनाज दे रहे। 7-7 8-8 परिवार है, तो इलाज वहाँ पे बीमार भी है लेकिन इलाज के लिए भी कोई सुविधा नहीं है और ना हिसाब दे रहे कहीं नहीं। तो वो लोग वहाँ रोते रोते हमारे यहाँ इनका परिवार है तो हमारे जागृत दलित संगठन से संपर्क किए, तो हम संगठन मिलके पार्टी में एक आवेदन दिए, फिर पार्टी आवेदन देते हुए फिर बड़वानी कलेक्टर पहुँचे कि जो बड़वानी ज़िले में 2-2 3-3 मंत्री है, जब भी हमारे मजदूरों को कर्नाटक जाना पड़ रहा तो ये कैसे है मंत्री हमारे, ना रोज़गार ढंग से चले। अगर बड़वानी ज़िले में अच्छे रोज़गार मिले तो हमें 1200 किलोमीटर जाने में शोभा नहीं देते। कुछ तो, परिवारों को लेके गई पार्टी पुलिस? 57 लोगों को लाए हैं। अभी लगभग कितने बचे होंगे यहाँ से? लगभग अभी 57 लोग बचे हैं, ऐसे तो 200-300 लोग हैं और बचे लेकिन हमारे पास 57 लोगों को अभी है। 57 लोगों की आपके पास सूची है? हाँ, 57 लोगों की लोग समस्या आ रही है। हाँ, 57 हाँ, लोग। और कुछ लोग वहाँ से वो निकलने के लिए कुछ व्यवस्था हो गई लेकिन 57 लोगों की व्यवस्था अभी नहीं हुई।